तो भाई जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चे मस्त होंगे। भाई फटाफट भाई सारे बच्चे ज्वाइन कर लें भाई, कुछ टेक्निकल ग्लिच था भाई आई थिंक स्टूडियो रिगार्डिंग, तो वो हो गया शॉर्ट आउट। चलिए भाई करते हैं भाई स्टार्ट, पहले क्वेश्चन के साथ आप सबका करते हैं वेलकम। तो ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, किसके बारे में बात करें बच्चे? हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करें। इसके बारे में अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र बच्चे उस जो क्लासिकल वर्क है आपके इंडियन पॉलिटिक्स का, वो किस पे फोकस करता है, कौन सा सेक्टर इस पे फोकस करता है बच्चे आपका? ऑप्शन दिया है पहला इकोनॉमी, दूसरा दिया कल्चर, तीसरा दिया आपका स्टेट क्राफ्ट, एंड फोर्थ दिया है बच्चे आपका मोनार्की। कौन सा आपका? मोनार्की बच्चे। ये रहा आपका टाइम, बताइए भाई क्या सही आंसर होगा, ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी या फिर डी होगा, बताइए भाई। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चे? अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है बच्चे, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा बच्चे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताइए भाई। एंड भाई टाइम एंड नाउ, तो भाई ये रहा किसके बारे में? अर्थशास्त्र जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड द बुक ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट। नेचर ऑफ गवर्नमेंट बच्चे किसमें आएगा बच्चे आपका? इकोनॉमी में नहीं आएगा, कल्चर में नहीं आएगा, स्टेट का नहीं आएगा, किसमें आएगा आपके? मोनार्की में। मोनार्की क्या आपके टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बच्चे आपका? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर बच्चे आपका, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया आपका, लॉ हो गया आपका, सिविल हो गया आपका, एंड आपके क्रिमिनल कोड सिस्टम, इथिक्स, इकोनॉमिक, मार्केट एंड ट्रेड, द मेथड ऑफ स्क्रीनिंग मिनिस्टर, डिप्लोमेसी, थ्योरी ऑन द वॉर, नेचर ऑफ पीस एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ किंग, इस पे फोकस करता है कौन आपके? अर्थशास्त्र। कौन सा आपका? अर्थशास्त्र इन चीज के ऊपर फोकस करता है बच्चे आपका। क्लियर सभी को? यस और नो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? यस और नो। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहा है बच्चे आपका? द अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर डिड नॉट शो द बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म। कौन सा आपका? तो आपका अर्ली जो आपके जो पहले जो आपके बुद्धिस्ट स्कल्पचर है बच्चे आपके, वो डिड नॉट शो करते किसको? बुद्धा को इन अ ह्यूमन फॉर्म। थ्रू विच द फॉलोइंग सिंबल वाज द बुद्धा प्रेजेंट शो इन अ अर्ली स्क्रिप्चर, ठीक है। जो बुद्धा का जो आपका एग्जिस्टेंस है बच्चे आपका, वो किस फॉर्म में शो करता था भाई आपके अर्ली स्क्रिप्चर्स के अंदर, वो पूछा है बच्चे का। पहला ऑप्शन है आपका एम्प्टी सीट एंड स्टूपा ओनली, सेकेंड कह रहे हैं आपका व्हील एंड ट्री ओनली, ऑप्शन सी कह रहा है व्हील ट्री एंड आपका स्टूपा ओनली, एंड डी कह रहा है एम्प्टी सीट व्हील ट्री एंड स्टूपा। ये क्वेश्चन बच्चे आपका एनडीए 1 2021 का क्वेश्चन है बच्चे आपका। और याद रखना इस क्वेश्चन के अगर मैं सोर्स के बारे में बात करूं तो ये क्या है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 जो थीम्स है बच्चे आपका, क्या आपका पार्ट वन से, कहा आपके पार्ट वन से इस क्वेश्चन का सोर्स है, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा बच्चे आपका? ये रहा आप सबका टाइमर, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताइए भाई। किसके बारे में बात कर रहा है? आपके अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर के बारे में बात कर रहा है, जब इनको इंसान के उसमें शो नहीं करते थे तो किस सिंबल से बुद्धा के प्रेजेंस को शो किया जाता था, वो क्वेश्चन की डिमांड है बच्चे आपका। और जैसे मैंने बताता हुआ बच्चे आपका कि आपके हिस्ट्री के लिए, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी जो थीम्स है बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है बच्चे आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे इसके आंसर के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं इन द अर्लिएस्ट बुद्धा आर्ट ऑफ द इंडिया द बुद्धा वॉज नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंट इन अ ह्यूमन फॉर्म, हिज प्रेजेंस वॉज इंडिकेटेड इंस्टेड ऑफ, किसके बदले? ए साइंस सच अ पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स हो गया आपका, एम्प्टी सीट हो गया आपका, एम्प्टी स्पेस बेनेथ हो गया, या फिर आपका पार्सल हो गया आपका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चे आपका? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा आपका। क्लियर सभी को? यस और नो बताइए, क्लियर? चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है बच्चे आपका? व्हाइल वॉचिंग अ न्यूज, ठीक है, जब आप एक न्यूज सुन रहे हैं आपका, यू हेयर अबाउट अ प्लेस ऑन विच यू हैड, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना आपका, यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लेस एंड यू वॉन्ट टू लोकेट इट ऑन द मैप, ठीक है। हमें क्या करना है भाई? हमें उस प्लेस को बच्चे क्या करना है बच्चे आपका? लोकेट करना है, कहां पर बच्चे आपके? मैप के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्वायर्ड टू यू
टू बी एबल टू लोकेट द प्लेस ऑन द मैप, कौन कौन सी चीज आपको रिक्वायर्ड होंगी उस प्लेस को डिनोट करने के लिए, किसके ऊपर, मैप के ऊपर। तो पूछ रहा है बच्चे आपका ओनली लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ओनली लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। सेकेंड थर्ड कह रहा है आपका बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। एंड डी कह रहा है बच्चे आपका बोथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड आपका एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये रहा आपका टाइमर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आपको अगर आपको कोई भी प्लेस आपको मैप के ऊपर डिनोट करनी है, शो करनी है, तो आपको किस चीज की डिमांड होगी। पहला है बच्चा आपका लॉन्गिट्यूड, दूसरा आपका लैटिट्यूड, सी कह रहा है आपका बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एंड डी कह रहा है आपका आपके पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ये तीनों चीज होनी अनिवार्य है अगर आप किसी भी प्लेस को लोकेट करते हो तो। बच्चे आप क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं एक रफ मैप से। देखिए देखिए ये क्या बच्चे आपका, ये आपका अर्थ है, क्या आपका, ये आपका अर्थ है, आपका ये अर्थ है आपका, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर हमें कोई भी एक प्लेस को क्या करना है बच्चे आपका, प्लेस को क्या करना है भाई, मैप के अवध हमें क्या करना है भाई, लोकेट करना है, क्या करना है भाई, लोकेट करना है बच्चे आपका। अब देखो हमें क्या पता है भाई, पूरा जो अर्थ है आपका दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, क्या आपका, ये इक्वेटर है बच्चे आपका, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है ऊपर वाला, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है बच्चे आपका, क्लियर। और ये आपका प्राइम मेरिडियन है बच्चे आपका, यहां से कौन सा, ये आपका वेस्ट हेमिस्फीयर है बच्चे आपका, और ये आपका ईस्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। हमें कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए बच्चे हमें क्या चाहिए, हमें एक तो लैटिट्यूड चाहिए होगा, कौन सा आपका लैटिट्यूड, ठीक है, एंड हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए होगा, कौन सा लॉन्गिट्यूड चलेगा। अब देखिए भाई अगर खाली मैं बोल दूं आपका 22 डिग्री नॉर्थ से लेके बच्चे आपका, ठीक है, आपका 7 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 22 डिग्री नॉर्थ। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर ये इक्वेटर बच्चे आपका, हम इसमें नॉर्थ कहें तो ऊपर की तरफ होगा बच्चे आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका 7 डिग्री नॉर्थ ये है बच्चे आपका, ठीक है, और 22 डिग्री नॉर्थ ये है बच्चे आपका। अब एक बात बताओ, क्या आप किसी भी प्लेस को एग्जैक्ट लोकेटेड कर पाओगे? और ये क्या है बच्चे आपका, जो लैटिट्यूड क्या है आपका, जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में, तो क्या है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, जो आपकी ऐसे लाइन है आपकी एक्स एक्सिस पे, तो कर पाएंगे ओनली लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपका 77 डिग्री ईस्ट से लेके आपका 97 डिग्री ईस्ट तक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कौन सा आपका, अब जब ईस्ट हेमिस्फीयर है तो बोल दिया सर 77 डिग्री ईस्ट यहां पर है आपका, ठीक है, और 91 डिग्री ईस्ट यहां पर है आपका, तो ये हो गया 77 डिग्री ईस्ट और ये हो गया आपका 97 डिग्री ईस्ट, ये हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका 7 डिग्री नॉर्थ, ये होगा 22 डिग्री नॉर्थ बच्चे आपका। अब देखिए ये जो ब्लॉक है कौन सा, ये जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं बच्चे आपका, कौन सा आपका, ये जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, ये किसी भी प्लेस के बारे में एग्जैक्ट बता देगा आपके बारे में, ठीक है, किसी भी प्लेस के बारे में एग्जैक्ट हमें बता देगा। तो याद रखना जब भी हम किसी भी प्लेस को, किसी भी प्लेस को जब हम किसके ऊपर, मैप के ऊपर लोकेट करते हैं, तो हमको बोथ बोथ हमें लैटिट्यूड प्लस हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे किस बारे में, आपके एल्टीट्यूड के बारे में, तो एल्टीट्यूड से आप किसी भी प्लेस को लोकेट नहीं कर पाओगे बच्चे आपका, क्लियर। तो क्या चाहिए हमें, हमें ओनली चाहिए बच्चे आपका बोथ, ओनली बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एक मिनट, क्या चाहिए बच्चे हमें, बोथ हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस चाहिए होता है बच्चे आपका, क्या होगा, ओनली सी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बच्चे कहां से है आपका, ये भी क्वेश्चन आपके एनडीए 1 2021 का क्वेश्चन है, एनडीए 1 2021 का क्वेश्चन है बच्चे आपका, शॉर्ट डे प्लेस। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आता है, कौन सा आपका, जो आप जीपीएस यूज करते हो अपने मैप के, अपने फोन के अंदर, ठीक है, तो आप देखना कभी भी हम यूज करते हैं तो वो किसी भी प्लेस का नाम से डिनोट नहीं होता, वो उस प्लेस की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फिगर आउट करके उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है बच्चे आपका, क्या करता है, बताता है बच्चे आपका, क्लियर। कोई डाउट तो भाई यहां तक, यस और नो, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई बताओ, शॉर्टेड। चलिए भाई मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहा है आपका, इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन अ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ थ्री स्टूडेंट स्टेट द फॉलोइंग पॉइंट, तीन स्टूडेंट करते हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, द
शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली आपका ऑब्लिट स्पेरॉइड है, कौन सा ऑब्लिट स्पेरॉइड आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चे आपका द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है आपका द बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहा है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको। ओनली वन, ओनली स्टूडेंट वन का स्टेटमेंट सही है आपका, स्टूडेंट वन एंड टू का दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चे आपका, स्टूडेंट टू एंड थ्री का स्टेटमेंट सही है आपका, या फिर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री, इन तीनों के स्टेटमेंट सही है। बताओ भाई क्या सही आंसर होगा बच्चे, ये रहा आपका टाइम, बताइए क्या सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, बताइए भाई। बताइए कैसे आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, आपके क्वेश्चन पूछा है कि तीन स्टूडेंट की कुछ स्टेटमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। पहला बच्चा बोलता है कि भाई जो अर्थ जो बेसिकली आपका ऑर्बिट स्फेरॉइड है बच्चे आपका, सेकेंड कह रहा है कि जो पोल का जो डायमीटर है बच्चे आपका वो अर्थ का वो ज्यादा है अगर हम बात करें किससे, आपके इक्वेटर से आपका, और थर्ड कह रहा है जो बल्ज आता है बच्चे आपके इक्वेटोरियल रीजन पे ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में आता है। अब देखिए भाई, अब समझिए पॉइंट, देखिए फिर से हम बात करते हैं भाई आपके अर्थ के बारे में, आपके एक मिनट यार तो बिगड़ गया है, सो देखिए ठीक है, ये आपका अर्थ है जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट बात करें, दूसरे हम जो कहते हैं आपका टाइडल, कौन सा जो आपका टाइडल बल्ज है, कौन सा टाइडल बल्ज है बच्चे आपका, ठीक है, ठीक है। क्या आपका ये किससे आता है भाई, ये आपके रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, सन एंड मून की जो पोजीशन है बच्चे इसके ऊपर मेनली डिपेंड होता है आपका, रिवोल्यूशन से इसका कोई भी कंसर्न नहीं है, किसके आपके रिवोल्यूशन से कोई कंसर्न नहीं है आपका, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बच्चे आपके किसके बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, एक मिनट आप देखिए भाई, तो थर्ड स्टेटमेंट कौन सा हुआ, थर्ड स्टेटमेंट तो बच्चे गलत है आपका, हमें एक स्टेटमेंट और देखनी है बच्चे का। अब देखिए बच्चे आपका, अब एक बात बताओ, जब हम बात करें बारे में पोल के डायमीटर के बारे में, अब देखिए ये हो गया बच्चे आपका, ये इक्वेटर हो गया, अब बताइए डायमीटर पोल का ज्यादा होगा बच्चे आपका या इक्वेटर ज्यादा होगा बच्चे आपका, यस और नो, डायमीटर पोल का ज्यादा होगा तो इक्वेटर ज्यादा होगा भाई। अब यहां से आप इमेज अब देख पाएंगे, अब हम करते हैं बच्चे आपका एलिमिनेट। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, स्टूडेंट थ्री का स्टेटमेंट आपका गलत है आपका, तो स्टूडेंट थ्री यहां पर मेंशन है, स्टूडेंट थ्री यहां पर मेंशन है आपका, तो आपके सी एंड डी तो हो गए बच्चे आपके एलिमिनेट, क्या हो गया सी एंड डी हो गए आपका एलिमिनेट, ठीक है। अब जो बच्चा आपका सेकंड वाला, तो भाई मोर देन नहीं लेस होगा, क्या होगा लेस होगा आपके इक्वेटोरियल डायमीटर से, तो आपका सेकंड गलत है बच्चे आपका, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, आपका ए आपका सही आंसर हो, क्या होगा आपका ए आपका सही आंसर होगा, ओनली ए इज द राइट आंसर, ओनली ए इज द राइट आंसर बच्चे आपका, क्लियर यस और नो शॉर्टेड। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहे हैं बच्चे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सी संवैधानिक बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है आपका। पहले बात कर रहा है आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दूसरा कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन सी कह रहा है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड डी कह रहा है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात कर रहा है। आपको बताना बच्चे इनमें से कौन सी संवैधानिक बॉडी नहीं है आपका, ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन काफी इजी है, और याद रखना हर साल क्या हर साल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे, याद रखना। बताओ भाई क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होगा बच्चे आपका, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, बताओ बच्चे क्या होगा आपका, ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी होगा, भाई क्या सही आंसर है आपका,
देखिए, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो पता है बच्चे कौन सा इसका, इसका आर्टिकल क्या आपका 338, कौन सा आपका 338, ठीक है। तो ये तो अभी संविधान के अंदर मेंशन है, तो ये तो नहीं होगा बच्चे आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, तो इसका आर्टिकल क्या है बच्चे आपका, इसका आर्टिकल है बच्चे आपका 338A आपका, क्लियर। तो ये भी नहीं है बच्चे आपका। फिर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपका, इसका आर्टिकल क्या आपका 338A आपका, 338B आपका डील करता है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में। आलोक कह रहे हैं सर सी होगा बच्चे आपका। बट द थिंग इज, जब हम बात करते हैं वुमेन के बारे में, तो क्या कह रहा है आपका, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, वॉज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। कौन सा आपका, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 से इसका गठन हुआ था। और कैसी है ये आपकी, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका, ये आपकी संवैधानिक बॉडी नहीं है आपका। और क्वेश्चन है यही पूछा कौन सा नहीं है बच्चे आपका, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चे याद रखना, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से बच्चे, एक क्वेश्चन क्या आपका ये फिक्स है आपका, हर साल आता है, कौन सा आपका हर साल आता है बच्चा आलोक, क्लियर आलोक। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं आपका, द इलेक्शन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन, ठीक है, 2019 कॉन्स्टिट्यूट द, ठीक है, जो आपके लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब आपके लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, जो आपका अभी जो 2019 में इलेक्शन हुआ था वो कौन सा लोकसभा है वो पूछा आपका, 14th लोकसभा है आपका, 15th लोकसभा है, 16th लोकसभा है, फिर 17th लोकसभा है बच्चे आपका, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा बच्चे आपका। तो थोड़ा सा बच्चे आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी पूछता है क्वेश्चन आप, बताओ भाई जो आपके कौन सा आपका लोकसभा का जो इलेक्शन है अभी 2019 में जो हुआ था आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो कौन सी लोकसभा आपकी है, आपकी 14th है, 15th है बच्चे आपकी, 16th है आपकी, या फिर 17th है आपकी। आलोक कह रहे हैं सर आपका 17th होगा, नहीं 16th होगा बच्चे आपका, ओके। और कोई, और कोई भाई, देखिए भाई जब हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं आपका, हम 12th से देखते हैं, 12th कहां से, 12th से स्टार्ट करते हैं बच्चे आपका। देखिए भाई जो आपकी 12th लोकसभा है बच्चे आपका 1998, ठीक है, और जो अभी जो अभी जो 17th लोकसभा है, कौन सी 17th लोकसभा है बच्चे आपका, वो आपके 2019 वाली जो थी आपकी, कौन सी थी आपकी, वो 17th लोकसभा है बच्चे आपका, ठीक है। 2014 बीजेपी गवर्नमेंट आपका कौन सी थी आपकी, वो 16th थी आपकी। 2009 से लेके आपका टिल आपके 14th तक कहां सी थी बच्चे आपकी, 15th थी। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं बच्चे आपका, तो कौन सा आपका 2019 में जो आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ था बच्चे आपका, उस टाइम ऑफ की 17th लोकसभा क्या हुआ था बच्चे आपका, गठन हुआ था, कौन सा आपका 17th लोकसभा का गठन हुआ था बच्चे आपका, क्लियर। चलिए भाई मूव करते हैं बच्चे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड आर करेक्ट, ठीक है भाई, लैंडस्लाइड के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है वो बताना है आपको, सही बताना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है दीज अकर ओनली अ जेंटल स्लोप ड्यूरिंग द रेन, ठीक है, एक चीज समझते हैं भाई सबको, ये आपका क्या आपका माउंटेन है बच्चे आपका, जब बारिश होती है बच्चे आपका तो कहते हैं आपके, कहते हैं मिट्टी आपकी जेंटल स्लोपिंग बात है बच्चे आपका। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपका दे जनरली अकर इन रिच क्ले सॉइल, आपका टॉप लेयर आपका, एन अर्थक्वेक ट्रिगर द लैंडस्लाइड, और बता रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आपका ऑप्शन ए कह रहा है 1 and 2, ऑप्शन बी कह रहा है 1 and 3, ऑप्शन सी कह रहा है 2 and 3, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है आपका 1, 2 and 3, बताइए भाई क्या सही आंसर होगा, किसके बारे में पूछ रहे हैं बच्चे आपके, लैंडस्लाइड के बारे में बात कर रहा है आपका, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, बताओ भाई, ऑप्शन ए होगा 1 and 2, ऑप्शन बी कह रहा है 1 and 3, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे आपका 2 and 3, एंड ऑप्शन डी कह रहा है बच्चे आपका 1, 2 and 3, बताइए क्या सही आंसर है आपका, लैंडस्लाइड के बारे में बात कर रहा है बच्चे आपका, लैंडस्लाइड, लैंड का स्लाइड होना मतलब अपनी प्लेस से अलग हटना, उसके बारे में बात कर रहा है आपका। आलोक कैसे है, तो बी होगा या फिर डी होगा, चलो भाई देखो
लैंडस्लाइड, देखो भाई जब आप किसी हिली रेंज जाते हो, जब बारिश होती है बच्चे आपका, तो मिट्टी काफी क्या है भाई कट के आपकी क्या होती है भाई निकल जाती है आपकी। क्लियर पॉइंट है बच्चे आपका। सेकेंड पॉइंट बच्चे, जो आपका रिच, जो क्ले रिच सॉइल है बच्चे, कौन सा होता है ये आपका टॉप लेयर होता है, कौन सा आपका टॉप लेयर होता है बच्चे आपका। तो ये पॉइंट भी सही लग रहा है आपका, जब वन एंड टू है आपका, वन टू थ्री कट गया आपका, टू ये कट गया बच्चा, वन एंड टू और ये बचा आप, ठीक है। द अर्थक्वेक ट्रिगर द लैंडस्लाइड, भी सही बात है बच्चा आपका, बोथ वन टू एंड थ्री आपके ऑल ऑफ द करेक्ट, सारे सारे ऑप्शन आपके सही है आपका। डी आपका सही आंसर होगा आलोक, ठीक है, बी नहीं होगा बच्चा आपका, डी होगा बच्चा आपका, अर्थक्वेक ट्रिगर करता है बच्चे लैंडस्लाइड, सही आंसर है आपका। क्लियर, चलिए भाई मूव करते हैं क्वेश्चन ऊपर। द रियल बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड फ्रॉम, कौन सा आपका रियल बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है बच्चा, इन इंडिया कैन बी डेट फ्रॉम आपका, पहला ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दूसरा कह रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, थर्ड कह रहा है आपका शारदा एक्ट ऑफ 1929, या फिर डी कह रहा है आपका मैकुले मिनट ऑफ इंडिया एजुकेशन ऑफ 1835, बताइए भाई। तो चार्टर एक्ट बच्चे आपका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, ठीक है, आपके चार्टर एक्ट से क्वेश्चन भी आते हैं आपका, मैकुले 1835। आलोक एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार सही से पढ़ लो बच्चे, एक बार आप एक बार क्वेश्चन को सही से रीड आउट करो मेरे दोस्त। वेस्टर्न एजुकेशन के बारे, ये क्या हो रहा है, चलिए भाई बात करते हैं बच्चे इसके ऑप्शन के बारे में। तो याद रखना आपका, द स्टेट इनकॉर्पोरेटेड द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, जो आपका बच्चे 1830 में चार्टर एक्ट है बच्चे, यहीं पर तो आता है आपका कि जो 1 लाख रुपीज है बच्चे वो हर साल इशू करेंगे किसके लिए बच्चे, आपके एजुकेशन के लिए आपका, ठीक है। द लॉर्ड मैकुले प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोडक्शन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813, आपका ए इज द राइट आंसर होगा, तो अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर ही इसके बारे में बात की जाती है बच्चे आपका, ठीक है। अगर थिंग इज 1813 में बच्चे हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चे आपका, क्या होता है बच्चे यहां पर, यहां पर जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चे आपका, या इसकी ट्रेड मोनोपोली, कौन सा आपका ट्रेड मोनोपोली क्या होती है बच्चे आपका, आपकी कैसे आपकी एंड हो जाती है, कहां पर एंड हो जाती है, कैसे वो भी आपकी पार्शली एंड हो जाती है, कौन सा पार्शली एंड हो जाती है बच्चे आपका। और सही कंसर्न पूछे तो आपका 1813 और चार्टर एक्ट है, यहां पर इंडिया के अंदर कंप्लीट एंड हो जाता है, कौन सा आपका ट्रेड मोनोपोली, तो दोनों कंसर्न सही है, सेम है बच्चे आपका, तो क्या होगा बच्चे आपका ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एम बी कह रहे हैं बहुत सर, बहुत सर क्या होता है बच्चे आपका, ठीक है। चलिए भाई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द महज सत्याग्रह ऑफ 1927 वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है भाई, महज सत्याग्रह ऑफ 1927 ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चे आपका। एंड ट्रेड एंड एग्जैक्टली, देखो सुनो, अब देखो भाई चार्टर एक्ट को दो दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है बच्चे आपके एग्जाम के अंदर, देखिए हाँ देखो, जब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में, देखो भाई यहां पर दो तीन चीजें होती हैं, एक मिनट, पहला पॉइंट क्या बच्चे आपका, यहां पर एक तो जो ट्रेड मोनोपोली, कौन सा आपका ट्रेड मोनोपोली है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कैसी आपकी, वो आपकी पार्शली एंड होती है, कैसे पार्शली एंड होती है बच्चे आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, पार्शली एंड कैसे होता है बच्चे, कि इंडिया के अंदर, किसके अंदर, इंडिया के अंदर जो आपका ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली है बच्चे, वो कैसी होती है, वो आपकी कंप्लीट एंड होती है, कैसा कंप्लीट एंड हो जाती है। बट याद रखना आपके चाइना का, चाइना के साथ आपका किसका, आपका एक तो टी का एंड आपके ओपीएम का, अफीम का जो व्यापार है वो चल रहा होता है, इसलिए इसको हम पार्शली एंड बोलते हैं, इसको हम पार्शली एंड बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चे आपका,
वो ट्रेड को छोड़ के अब टोटली किसके अंदर, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे काम करती है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करती है बच्चे आपका, ठीक है। यहीं से एक कंसर्न आता है बच्चे आपका, किसके बारे में आपका, ठीक है, कौन सा आपका बात कर रहे हैं आपका, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहां पर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चे, इसकी जो ट्रेड मोनोपोली है बच्चे, वो कैसी आपकी हो जाती है, आपकी वो कंप्लीटली एंड हो जाती है, कंप्लीटली एंड हो जाती है बच्चे, यस और नो, यस और नो, कैसे जाती है आपकी, कंप्लीटली एंड हो जाती है। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चे आपका, शॉर्टेड। चलिए भाई बताइए भाई इसका आंसर बताओ भाई। महद सत्याग्रह ऑफ 1927 वाज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड आपके कौन, आपके लोकमान्य तिलक, बताओ भाई कैसे आंसर होगा बच्चे आपका महद सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो जो महद सत्याग्रह भाई 1927 का, लेड बाय द किसके, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्नाटका स्टेट दलित संरक्षक समिति इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस इन द एडवेंट ऑफ आपका कालीबुर्गी, ठीक है भाई, क्लियर सभी को, बताओ भाई यहां तक कोई डाउट, शॉर्टेड, क्लियर सभी को, ऐसा और नो, बताओ भाई यहां तक कोई डाउट। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर अबाउट द जियोग्राफिकल फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं आपका। इट इन्वॉल्व अ मिक्स ऑफ फॉलिंग, रोलिंग एंड स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग द मटेरियल, ठीक है। सेकेंड कह रहा है इट इज हजार्डियस टू स्कायर्स एंड माउंटेनर्स, एंड थर्ड कह रहा है टॉरेंट्स ऑफ स्नो एंड आइस रोरिंग डाउन टू द स्टीप माउंटेन साइड, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन बी आइडेंटिफाई विद द अबव फीचर, बताओ भाई क्या है आपका, स्लंप एंड अर्थ फ्लो, बी कह रहा है आपका एवलांच, थ्री कह रहा है आपका लैंडस्लाइड एंड डी कह रहा है आपका रॉक स्लाइड, बताओ भाई कैसे आंसर होगा बच्चे आपका। क्वेश्चन डिमांड क्या है भाई, ज्योग्राफिकल फिनोमेना बता रहा है भाई किसके लिए ये डिनोट हो रहा है, ये क्वेश्चन डिमांड है बच्चे आपका, ठीक है। इट इन्वॉल्व अ मिक्स, फॉलिंग हो गया बच्चे, गिर रहा है आपका, रोलिंग हो रहा है आपका, स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल पहला पॉइंट कह रहा है आपका, सेकंड पॉइंट कह रहा है इट हजार्डियस टू स्कायर्स एंड आपके माउंटेनर्स के लिए आपके क्या है बहुत ज्यादा हजार्डियस है आपका, एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है द टोरेंट ऑफ स्नो एंड आइस रोरिंग डाउन टू डाउन का, डाउन को आपके साथ आपके द स्टीप साइड ऑफ द माउंटेन, ये क्या आपका, ये स्टीप साइड है बच्चे कहा माउंटेन का, बताना भाई क्या होगा आपका, रॉक स्लाइड होगा, लैंड स्लाइड होगा आपका, एवलांच होगा बच्चे आपका, या फिर स्लंप एंड आपका अर्थ फ्लो होगा, बताओ भाई क्या ऑप्शन है आपका, ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी होगा, बताओ भाई। बताओ भाई क्या होगा आपका, आलोक कह रहे ए स्लंप एंड अर्थ फ्लो, और कोई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा और सोचो भाई, स्लंप एंड अर्थ फ्लो, एवलांच, लैंडस्लाइड या फिर आपका रॉक स्लाइड, बताओ भाई। जब हम बात करते हैं बच्चे ये जो कंडीशंस है किसके लिए बता रहे हैं बच्चे आपका, ये डिनोट कर रहा है किसके बारे में, आपके एवलांच के बारे में डिनोट कर, किसके बारे में, आपके एवलांच के बारे में शो करता है बच्चे आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसके लिए बात कर रहा है आपके, ये एवलांच के बारे में बात कर रहा है आपका, शॉर्टेड क्वेश्चन नॉर्मल है, थोड़ा सा समझो भाई उस पॉइंट के लिए, क्लियर। चलिए भाई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, कौन सा आपका, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है बच्चा वो किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था आपका, जे ए बेल्की, टे एस एंथोन, एर्नोल्ड आपका टोइनबी या फिर एच एस तैनबी, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा बच्चे आपका। बताओ भाई ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, ठीक है।
तो हिस्टोरियन जो आपके अर्नोल्ड है बच्चे, इन्होंने इस टर्म, इस जो कॉइन है आपका, कौन सा आपका टर्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसको यूज किया था भाई फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस बिगेन टू ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी एंड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो द यूज अर्लियर बाई फ्रेंच राइटर्स, द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज फर्स्ट पॉपुलर बाई द इंग्लिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन आर्नोल्ड टू डिस्क्राइब द ब्रिटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम द 1760 से लेके 1840। अब देख पा रहे हो 1760-1840 जो क्या था आपके ब्रिटिश ब्रिटेन के लिए जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बच्चे, उसके बारे में बात कर रहा है बच्चे आपका। क्लियर सभी को? शॉर्टेड। चलिए भाई करते हैं क्लास को यहीं पर ओवर, और मिलते हैं आप सभी से कल, ठीक है। जब तक के लिए भाई जय हिंद।